बिलासपुर क्षेत्र के डिब डिबा गांव के गुरुद्वारे में, जहां रात के अंधेरे में गुरुद्वारे के ताले तोड़कर तीन अज्ञात चोर गुरुद्वारे में दाखिल हुए और गुरुद्वारे में रखी लोहे की एक कुंतल की गुल्लक को चुरा ले गए। चोरी की वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर आसपास में कॉबिंग की तो गुल्लक के ताले टूटे हुए मिले और पैसा गायब था, जिसको पुलिस ने बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला रामपुर से नाजिया खान की रिपोर्ट। जी बताइए, अगर कोई कदम नहीं उठाती है पुलिस, कुछ नहीं होता, क्या करेंगे? ऐसा है कि अभी तो पुलिस हमें कह रही है कि हम ढूंढ रहे हैं, एक दो दिन में हमें टाइम दो। तो चलो, एक दो दिन तो कल का और आज का दिन निकल भी गया, दो दिन हो गए हैं। अगर वो एक दो दिन में और नहीं पकड़ते हैं तो हम भी फिर कोई ना कोई इलाके में, जैसे कोई सिखों का कट बुला के, तो सभी गुरुद्वारों की सेफ्टी के लिए कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। अगर प्रशासन सख्त नहीं होएगा तो इन चोरों के हौसले बढ़ेंगे और ये यहाँ गुंडागर्दी, अगर यहाँ इस जगह पे, यहाँ पर आम ये 100 नंबर की यहीं ड्यूटी रहती है कि रास्ते में, अगर यहाँ भी उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो सख्त कदम उठाएंगे। सख्त कदम उठाएंगे। टीवी नहीं लगे, यहाँ कोई पुलिस की गश्त भी नहीं है, तो वो कैसे सेफ होंगे? हाँ, पुलिस को सख्ती से ये चोरों की पैर निकालनी चाहिए, नहीं तो इन लोगों के हौसले, क्योंकि इससे पहले 31 तारीख को मनियारखेड़ा के मंदिर में भी चोरी हुई है। तो अगर धार्मिक जगहों पे ये बातें होने लगी तो उनके हौसले बढ़ेंगे, अगर ये पकड़े नहीं जाते। देखो, पूरा सही तो नहीं कह सकते, मगर अंदाजा है कि 40-50 हज़ार के करीब, जब हम गोल खोलते हैं 70-80 हज़ार की होती है, तो इसको थोड़ा 3-4 महीने से नहीं खोली थी, तो 40-50 के करीब वो होगी। तो गोल को तो वो गिरा गए वहीं, गोल का वजन भी काफ़ी था, उठा के ले जा नहीं सकते थे, यहाँ से उठाते हुए वो सीसीटीवी में देख ही रहे हैं, तो जो चोर है, तीन चोर, हाँ। तो पुलिस को जब तस्वीर उनकी क्लियर आ गई, जाते होंगे तो पुलिस को जब क्या लगता है, इंसानियत बिल्कुल मर गई, गुरु के घर में भी जो है चोरी लोग कर रहे हैं? अरे, ये इनका, इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता, जो चोर होते हैं इनका कोई धर्म नहीं होता, चाहे हिंदू हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये सब इनके लिए की होता है, चोरी करना, नशा करना, नशेड़ी लोग ही ऐसे काम करते हैं। जब